नमस्कार दोस्तों, सैफ शॉप में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं सैफ राजेंद्र, एग्जीक्यूटिव सैफ सैफ शॉप से आज आपके लिए आया हूँ टेबल टॉप सिंगल कंप्रेसर 2+1 की सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन विद प्री कूलिंग सिस्टम। सो आइए आज की वीडियो में हम लाइव आपको डेमो करके इसका दिखाते हैं। इस मशीन के साथ हमें मिल जाती है एक मैनुअल बुकलेट। इस बुकलेट को अच्छे से एक बार पढ़ लेना है, उसके बाद ही मशीन इंस्टॉल करनी है। साथ में मिल जाती है ओ वॉशर, कार्टलेज और वाल्व रॉड। तो आइए सबसे पहले मशीन की कर लेते हैं इंस्टॉलेशन। मशीन के डिस्चार्ज पैनल पे 3 हैंडल हमें लगाने हैं। ये लगने के बाद सारे स्क्रू को हमें अपोजिट डायरेक्शन में जो है टाइट कर लेने जितने ये हो सके। ये डिस्चार्ज पैनल हमारा बैक पैनल पर जो है पूरी तरह सटा हुआ होना चाहिए। मशीन के साथ हमें मिल जाती है एक डिप ट्रे, जिसमें पड़ा हुआ मटेरियल हम कहीं भी डंप कर सकते हैं और आसानी से इसको यहाँ पर इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं मशीन की नीड्स की। सो 220 से लेके 240 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी नीड इसको है। 1.7 किलोवाट की ये मशीन है। 12 एम्पियर तक का इसमें स्टेबलाइजर करंट वाला नीड होता है। 23 किलोवाट पर 24 घंटे में ये कंज्यूम करती है इलेक्ट्रिसिटी, यानी 24 घंटे में 23 यूनिट पावर ये कंज्यूम करती है। 80 केजी की ये मशीन है। एक घंटे में 20 लीटर सॉफ्टी बनाने की ये कैपेसिटी रखती है। तो दोस्तों सॉफ्टी मिक्स डालने से पहले मशीन की कर लेते हैं वॉशिंग। सो फ्रेंड्स, पानी हमने डाल लिया, यहाँ से हम स्विच ऑन कर लेंगे। ये स्विच है, मैं इसको ऑन कर लेंगे और यहाँ पर जो है क्लीन का ऑप्शन में मिल जाता है, इसको सीधे प्रेस करेंगे। प्रेस करने के साथ ही जो हमारे मशीन है वो ऑन हो चुकी है। उसके बाद तीनों नोजलों को हम एक साथ ऑन कर लेंगे। मशीन हमारी प्री वॉश हो चुकी है। तो आइए अब बना लेते हैं सॉफ्टी का मिक्स। तो दोस्तों प्री मिक्स बनाने के लिए हमने ले लिया यहाँ पे मिल्क, प्री मिक्स पाउडर, एक फूड पैन और एक विंग स्केल, और साथ में हमें चाहिए एक इलेक्ट्रिक ब्लेंडर। सबसे पहले हम फूड पैन का वेट कर लेते हैं और इसे कर लेते हैं 0। 1 केजी प्री मिक्स में 4 लीटर दूध मिक्स करना है। सो 1 केजी दूध के लिए 250 ग्राम स्ट्रॉबेरी प्री मिक्स। तो यहाँ पर हमने ले लिया 250 ग्राम स्ट्रॉबेरी प्री मिक्स। इसमें ऐड कर देंगे मिल्क, प्री मिक्स और मिल्क का टोटल वेट आया है 1280 ग्राम। इसमें और कोई भी चीज ऐड नहीं करनी है आपको, इसको सिंपली ब्लेंडर की हेल्प से जो है मिक्स कर लेना है। दोस्तों यह प्रीमिक्स 120 रुपए केजी है। हमने यहाँ पे 250 ग्राम प्रीमिक्स लिया है, यानी 30 रुपए का हमने प्रीमिक्स लिया है और 66 रुपए का मिल्क लिया है। दोनों को प्लस कर लेंगे तो 96 रुपए का हमारा 1280 ग्राम का जो प्रीमिक्स है, प्रीमिक्स बैटर है, वो रेडी हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे ये हमें 6.5 लीटर कैपेसिटी का हॉपर मिल जाता है, तो हमें इस प्रीमिक्स को सीधे हॉपर के अंदर डाल देते हैं। इसी तरह हम दूसरा फ्लेवर यानी वनीला भी रेडी कर लेंगे। दोस्तों आइए अब मशीन कर लेते हैं ऑन। यहाँ पे हमें मिल जाता है ऑटो ऑप्शन, इसको ऑन कर लेते हैं। एक बी की साउंड के साथ मशीन ऑन हो चुकी है। हमारा जो बीटर है वो घूमना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर जो है आप हार्डनेस और सॉफ्टनेस अपने कस्टमर के हिसाब से सेट कर सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा हार्डनेस चाहिए तो आप इसको 2 सेकंड प्रेस करके रखेंगे, जैसे ये ब्लिंक करना स्टार्ट करे आप इसको प्रेस करके हार्डनेस बढ़ा सकते हैं। अगर आपको घटानी है तो आप इससे हार्डनेस घटा भी सकते हैं। इस मशीन के साथ एक बहुत अच्छा फीचर हमें मिल जाता है, आप इसको ऑन करेंगे तो ये एयर पंप इसका ऑन हो जाएगा, आप इसे ऑफ रखेंगे तो ये ग्रेविटी मोड पे भी आपको सॉफ्टी बना के देती रहेगी। तो दोस्तों मशीन हमारी रेडी है। सबसे पहले कर लेते हैं कॉर्न का वजन। तो कॉर्न का वजन है हमारा 5 ग्राम। तो आइए अब सॉफ्टी डाल के इसके अंदर आपको दिखाते हैं।
बहुत ही बढ़िया सॉफ्टी जो है हमारी निकल के रेडी हो गई है। हम इसको उल्टा करके भी देखेंगे तो काफी हार्ड जो है इसका स्ट्रक्चर है। तो आइए अब कर लेते हैं इसका वजन। सॉफ्टी का वजन आया है हमारा टोटल 64 ग्राम। 5 ग्राम का हमारा कोन का वेट था, वो हम माइनस कर लेते हैं इसमें से, तो टोटल जो हमारा सॉफ्टी आइसक्रीम का वेट आया है वो है 59 ग्राम। दोस्तों बात कर लेते हैं कॉस्टिंग की, तो 1 kg मिल्क और 250 ग्राम प्रीमिक्स का टोटल कॉस्ट आया 96 रुपये। 96 रुपये में प्रीमिक्स रेडी हुआ हमारा 1280 ग्राम। एक सॉफ्टी में भरी जा रही है आइसक्रीम का जो वजन है वो है 60 ग्राम। तो इस तरह से 21 सॉफ्टी हमारी रेडी होंगी। एक सॉफ्टी का कॉस्ट हमें आएगा 4.60 रुपये। अब हम इसमें 1 रुपये कॉर्न का भी ऐड कर देंगे तो 5.60 रुपये में हमारी एक सॉफ्टी बनके रेडी हुई है। सॉफ्टी हमने निकाल दी, बहुत ही शानदार देखने में लग रही है। और इसको उल्टा करने पर भी देखिए कितना हार्ड जो है इसका स्ट्रक्चर है। तो बहुत ही शानदार ये मशीन सॉफ्टी बना के हमें देती है। आइए अब बात कर लेते हैं मशीन के स्पेशल फीचर की। यहाँ पर हमें प्री कूल ऑप्शन मिल जाता है। जब हम मशीन को सेट ऑप्शन पे लेके चलेंगे और यहाँ पे इसको स्टार्ट करेंगे तो आपका जो प्री कूल वाला ऑप्शन है वो ऑन हो जाता है और हॉपर में जो है आइस जो है चिलिंग होनी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर जो हमारा मटेरियल होगा वो खराब नहीं होगा। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं मशीन की क्लीनिंग की। क्लीनिंग करने के लिए हमें सबसे पहले जो हमारा लेफ्टओवर मटेरियल जो इसके अंदर बचा हुआ है उसको निकाल लेना है। तो मशीन कर लेते हैं बंद। यहाँ पे हमें क्लीन ऑप्शन मिल जाता है, इसको कर लेते हैं ऑन। डीप ट्रे को हम आसानी से टैप के नीचे वॉश कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट चलने के बाद तीनों हैंडल एक साथ हम खींच लेते हैं तो आप देख पाएंगे जो हमारा मटेरियल है वो आराम से जो है। डिस्चार्ज पैनल और बीटर की क्लीनिंग हम आपको बताने जा रहे हैं। डिस्चार्ज पैनल पर एसएस का रॉड हम इस तरह से खींच लेंगे जिससे हमारे सारे हैंडल जो है इससे अलग हो जाए। इस तरह से हम हर एक पार्ट की यहाँ पे क्लीनिंग कर सकते हैं। इनको जो है हम इंडिविजुअली टैप के नीचे वॉश करेंगे, साथ ही हम दोनों बीटर भी इसी में ले लेंगे और इनको टैप के नीचे आसानी से वॉश कर सकते हैं। सिलेंडर की क्लीनिंग हम जो है नॉर्मल क्लोथ से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सिलेंडर जो है बड़े आसानी से क्लीन कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब कर लेते हैं मशीन की रीइंस्टॉलेशन। यहाँ पर जो है हम डीप ट्रे लगा लेंगे, उसके बाद बीटर, उसके बाद जो हमारा डिस्चार्ज पैनल है उसे हम यहाँ पे लगा लेते हैं। इसके बाद जो 4 स्क्रू हमें मिलते हैं, जो बड़ी लेंथ के हैं वो ऊपर और जो छोटी लेंथ वाले हैं वो नीचे। अब बात कर लेते हैं हैंडल की। हैंडल को आपको जो नोजल रॉड है उसके बीच में इस तरह से फंसाना है और यहाँ से जो एसएस की रॉड मिल जाती है इसको हम सिंपली ऐसे प्रेशर देके यहाँ पे रोक लेंगे। तो फ्रेंड्स बहुत इजी जो है इसकी इंस्टॉलेशन है जैसे कि आपने देखा। तो दोस्तों ये था हमारी सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन का लाइव डेमो वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अधिक जानकारी और मशीन को खरीदने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। आप हमारी सैबसॉफ्ट की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।